नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने जगदीशाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार अल्फाबेटिकली क्या कहता है आपका 2021 की प्रेडिक्शन। आज हम बात करेंगे कि जितने भी पी अक्षर वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए 2021 कितना खास रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें इस नव वर्ष में मिलने वाला है, जानेंगे मैं जिसे। लेकिन उससे पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि बगैर कुंडली के, बगैर जन्म तिथि के, बगैर टाइमिंग की भी बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती टाइमिंग इंसान की जन्म कुंडली में, ये सब जाने बगैर आखिरकार कैसे आप बता सकते हैं कि अल्फाबेटिकली 2021 आपका कैसा रहेगा मयंक जी? जी बिल्कुल, देखिए 2021 जो है वो अगर हम बात करें अल्फाबेटिकली पी वालों के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला, काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि हम किस तरीके से, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं भी है तो भी हमने अल्फाबेटिकली ये निकालने की कोशिश करी है कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार आपका भविष्य जाने जी। और उसके बारे में बताएं और नववर्ष की ये सीरीज तैयार करें जो कि A to Z की हमारी चल रही है अभी। और उसमें साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा, आपके सुख साधन कैसे रहेंगे, धन लाभ कितना होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आपको नौकरी व्यवसाय में कितनी बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो वो नौकरी कब लगेगी, ये भी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। चलिए, ये तो हमने मयंक जी से जाना कि देखिए कैसे आप अल्फाबेटिकली जान सकते हैं, लेकिन अब बारी आती है कि आखिरकार पी अक्षर नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी क्या खूबियाँ होती हैं ऐसी जिसके चलते वो हर किसी के चहेते बन जाते हैं, आइए जानते हैं। देखिए पी अक्षर नाम वाले जो हैं वो बहुत ही मधुर स्वभाव के होते हैं और बहुत ही समझदार व्यक्ति होते हैं। इनका इनका जो हम कहते हैं कि समझदारी के मामले में कोई सानी नहीं है, यानी कि ये ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि सबसे ज़्यादा समझदार लोगों में से एक है ये अल्फ़ाबेट। तो इसलिए समझदारी के सारे काम ये करते हैं, जल्दबाजी में ये लोग कोई काम नहीं करते हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि सोच समझकर ये काम करना पसंद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉई साबित होते हैं और समाज में अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, इनके दोस्त बहुत होते हैं, लाइफ को ये एन्जॉय करना पसंद करते हैं, खाने पीने में बड़ा विश्वास करते हैं और अपने जीवन का इनका सिद्धांत होता है कि सबकी मदद करो और आगे सबको साथ लेके चलो, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और बहुत ज़्यादा मेहनती भी ये लोग करते हुए देखे गए हैं, यानी कि अपने काम को लेकर बहुत सजग रहते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं ये लोग। तो मयंक जी क्या लगता है, अपने इन्हीं खूबियों के चलते इनके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे बेस्ट रहता है जहाँ ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं? देखिए इनके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन जो इस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रहता है, ये अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ें, कम्युनिकेशन से जुड़ें तो बहुत अच्छा रहता है, या खुद का व्यवसाय करें तो भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे CA बन जाते हैं, मार्केटिंग में बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनके ऊपर बुध का प्रभाव ज़्यादा रहता है और शेयर मार्केट भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना ये प्रिंटिंग प्रेस का काम, स्टेशनरी का काम, बुक्स से रिलेटेड कोई भी काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग खासकर हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पोएट भी अच्छे होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, राइटर बड़े अच्छे होते हैं, तो ये प्रोफेशन इनके लिए बेस्ट माने गए हैं। मयंक जी, नव वर्ष 2021 में इन लोगों की सेहत कैसी रहेगी? देखिए सेहत इनकी इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन इनको इस साल थोड़ा फेफड़ों में दर्द की शिकायत या चेस्ट संबंधी कोई इन्फेक्शन इनको परेशान कर सकता है, ये दिक्कत ज़्यादा रह सकती है, या गले छाती में कोई तकलीफ रहेगी। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी और ये सावधानियाँ इनको बरतनी चाहिए अप्रैल से लेके जुलाई के महीने के बीच में, इस दौरान अपनी सेहत का ज़रा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके अलावा साल का पूरा समय इनको कोई बड़ी गंभीर ऐसी बीमारी नहीं होगी। देखिए सीजनल प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ रहती है, वो मौसम बदलता है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। तो देखिए ना, अब तक हमने मयंक जी से जाना है कि पी अक्षर वाले जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनमें क्या खूबियाँ होती हैं जिसके चलते उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कार्य क्षेत्र के मामले में ये साल इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन मयंक जी, आर्थिक पक्ष इन लोगों का कितना मजबूत रहने वाला है, जिन लोगों की थोड़ी बहुत आर्थिक पक्ष से जो कमज़ोर चल रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या ये लोग इस साल सेविंग कर पाएंगे कुछ इन्वेस्टमेंट का?
देखिए आर्थिक पक्ष आपका इस साल काफ़ी अच्छा मजबूत रहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो स्टार्स की जो पोजीशन है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी अच्छा आप लाभ कमाएंगे। और ये देखिए कि जनवरी से लेके मार्च के बीच में अच्छा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद जून से लेके नवंबर के बीच में, तो ऑलमोस्ट पूरा साल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, काम कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहेगी और नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के मौके भी मिलेंगे, जो कि सकारात्मक परिवर्तन होगा और अच्छा धन लाभ आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल मयंक जी क्या लगता है इन लोगों के लिए भाग्य इस साल इनका कितना साथ देगा? देखिए भाग्य की बात करें तो इसका भाग्य प्रतिशत इनका बहुत अच्छा रहेगा, 90% तक इनका भाग्य साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते और अपने काम को बहुत फटाफट से निपटाते हैं, तो मेहनत ये हर साल करते हैं, लेकिन जिस साल इनका भाग्य ज़्यादा साथ देता है उस साल इनकी मेहनत जो है 4 गुना रंग ले आती है। तो 2021 में क्या है कि ये भाग्य इनका ज़्यादा साथ देगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, यानी कि 2 गुने इन्हें शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए मयंक जी क्या लगता है इन्हें कोई सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी? देखिए इस साल इनको सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और पैसा उधार देने से इनको बचना चाहिए, दरिया दिली ज़्यादा ये ना दिखाएं, क्योंकि दरिया दिली के चक्कर में ये अपना नुकसान कर बैठते हैं और साथ ही साथ क्या है कि ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक होकर किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं तो लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इस चीज़ से इनको बचना चाहिए तो इनके लिए बेहतर रहेगा। अगर ये बात करें इनके पारिवारिक जीवन की, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो वो भी बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है, इनके विवाह के योग भी बनेंगे और इनके संतान की तरक्की है, संतान का, अगर आपके संतान विवाह योग्य है तो उसका भी विवाह का योग बनेगा, तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन समय इनके लिए रहेगा। मयंक जी सलाह, जैसे आपने कहा ना इन पे हमेशा शुक्र का भी प्रभाव रहता है, बुध का भी प्रभाव रहता है, तो क्या कुछ इन्हें उपाय करने चाहिए कि ताकि आगे इन्हें कोई दिक्कतें ना हो? देखिए अपनी सेहत का ख्याल रखें इस साल, व्यर्थ के वाद विवाद से खर्चों से बचना चाहिए, खर्च अधिक ये करने की इनको आदत होती है, उसी से बच के चलेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार पी अक्ष वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 2021 कितना खास रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें इस बार मिलने वाला है और कितनी खुशियां उनके घर में दस्तक देने वाली है। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते मैं हमेशा धर्मज्ञान के दर्शकों को ये याद ज़रूर दिलाती हूँ, कार्यक्रम कैसा लगा, कोई सलाह प्लीज़ ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ भी पूछना है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, कुछ भी घर के वास्तु से संबंधित भी, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा के कॉन्टैक्ट नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।